हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमी रॉक सीम्स। तो यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा एएफसी चैंपियंस लीग में, जो कि जेएनबी वर्सेस डल्सन हुंडई के बीच हो रहा है, जो कि दोनों कोरियन K1 लीग की बेस्ट टीम्स हैं। जेएनबी भी उतनी बेटर है जितनी कि डल्सन हुंडई, बट इट्स अ रिस्की मैच। आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि इस रिस्की मैच में गलतियाँ मत करना। तो गलतियों का मतलब ये है कि इसमें कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। मतलब ऐसा नहीं फ्री माइंड होकर टीम नहीं बना पाओगे ये वाली, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो डालना पड़ेगा प्रेशर इस मैच में। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी अपकमिंग टीम आएगी उसका लिंक मैं आपको, मतलब उसका जो पहले का जो शेड्यूल होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ फटाफट। एंड गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैं दोनों के साथ हूँ ना, मैं जेएनबी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा ना डल्सन हुंडई को। और मैच पूरा एनालाइज है, कुछ ही सिलेक्टेड प्लेयर्स है जो हमने लेने हैं जो बेस्ट गोल परफॉर्मर हैं। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे स्ट्राइकिंग की। तो देखिए, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर काफ़ी देर से मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने एम एडम और एम जू के अंदर बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक प्रदर्शन करने की चीज़ देखी है। मतलब आप ऐसा मानो कि अगर एडम भी ना चले तो एम जू का तो जो गोल रेशियो है वो काफ़ी निखर कर सामने आया। तो जिस कारण डल्सन हुंडई इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, उसका रीज़न है इनकी स्ट्राइकिंग। अगर एम एडम भी फ्लॉप होना बंद हो गया और एम एडम भी अपनी पुरानी वाली फॉर्म में वापस आ गया, तो ये फिर डल्सन हुंडई को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेयर बहुत ज़रूरी हैं। ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए उनका एक ही प्लेयर एस्मिन क्यू, जो कि ये भी पहले मिडफील्डर हुआ करता था, तो इसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनका सेकेंडरी कौन सा स्ट्राइकर खेलने वाला है इस बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। अगर टी और ओबो वगैरह खेल रहे हैं तो शायद मैं इन पर आपको प्रेफर करूँगा। एस्मिन क्यू पर मैंने कभी भी इतना ट्रस्ट किया नहीं। मतलब आप ये लगा लो ये शुरू से एक मिडफील्डर रहा है, तो मिडफील्डर को स्ट्राइकिंग में देख के मुझे हैरानी नहीं हो रही है, तो मेरे को बेवकूफ़ी लग रही है, इसलिए मैं और ओबो के साथ यहाँ पर इस मैच में रिस्क लूँगा। उसके बाद मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, तो देखिए मिडफील्डिंग में एच सियन मिन, ये सब लोग लेंगे इन दोनों को, एम सियन मिन को भी और एच रॉड्रिगेज़ को भी, क्योंकि सबको पता है कि जेएनबी के प्लेयर इतने खास नहीं है, तो उनका कोई भी प्लेयर पे कोई भी रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें तो ई इसाका मेरे को बहुत अच्छा प्रदर्शन करता नज़र आ रहा है। लोग बोलेंगे तुमने इसमें क्या देख लिया भाई, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लास्ट कुछ परफॉर्मेंस देखे हैं, इसके गोल देखो कितने ज़बरदस्त आए थे। सेलेक्टेड मैचेज़ में गोल करता है ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन पर भाई दाद दूंगा। एंड लडविक्सन की बात करें, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया प्लेयर। और ईवॉन सैंग की अगर बात करूँ, तो वो प्लेयर भाई लास्ट मैच में पता नहीं किस बेस पे कर गया 2 असिस्ट, क्योंकि ईवॉन सैंग असिस्ट के लिए ही जाना जाता है, बट गोल अगर ये ना हो कि मैं छोड़ दूँ और सच्ची में 1-2 असिस्ट कर जाए और नुकसान हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ये कोई बड़ा गोल स्कोरिंग मैच तो है नहीं, इसमें ज़्यादा गोल तो होने से रहे, आपको पता है लिमिटेशंस में गोल होंगे, अगर 2 गोल ये करेंगे तो सामने वाली एक आधा कर देगी बस, ठीक है। एंड डिफेंडिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पे लूँगा एस यंग वू को। उसके बाद एल मियोंग जेट सेकेंड डिफेंडिंग पर डाल रखा है इन्होंने, और इसको लेना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। के की ही को यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो थर्ड डिफेंडिंग पर, और के यंग वॉन को ज़रूर लेना, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल तक का प्लेयर है भाई। एंड बात करें यहाँ पर अगर हम गोल कीपिंग की, तो के जियोंग हन, ठीक है, इसके साथ जरूर जाऊंगा मैं। बात करें कैप्टन की, देन माय कैप्टन वाज एम जू, यार जो मेरा वाइस कैप्टन है वो मैं वैसे ना इसाका को रख रहा था, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा मामला, इसलिए मैं सेफ जा रहा हूँ एडम के साथ। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।